दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल, और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उरन सिटी, पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उरन शहर आखिर दिखता कैसा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस एक्सपीरियंस को, और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए ये वीडियो देखिएगा ज़रूर, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। फिलहाल उरन सिटी का पूरा टूर करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट। और अच्छा, आगे टूर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रास्ते के बारे में थोड़ी सी पहचान करा देता हूँ। सामने जो रास्ता है वो है मार्केट, लेकिन अगर आप थाने से या मुंबई से उरन की तरफ आ रहे हो तो आप इस तरफ से आओगे, इस बात का ध्यान रखना। इस तरफ से आप आओगे और सीधा अगर आप जाओगे तो इस तरफ आपको मिलेगा वो हेलीपैड जहाँ पे लोग एक्चुअली उरन के लिए आते हैं। उरन पे कोई भी आता है घूमने के लिए तो ज़्यादा करके वो हेलीपैड या फिर मुकीम शाह बाबा की दरगाह या फिर यहाँ पर जो पीरवाड़ी बीच है, ये तीन चीज़ आपको चाहिए। तो यहाँ से आप आओगे, यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है पीछे की तरफ, मेरे एग्जैक्ट अपोजिट पीछे की तरफ, इसके एग्जैक्ट अपोजिट आपको द्रोणागिरी फोर्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको मार्केट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मार्केट को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं उरन सिटी में। गाड़ी हो गई स्टार्ट और हमने कर लिया क्रॉस। देखिए मार्केट जैसे ही शुरू होता है आपको राइट साइड पे एक मार्केट के अंदर छोटा सा मार्केट मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारे कपड़ों के ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पे बच्चों के कपड़े और बड़ों के कपड़े सबके कपड़े आपको मिलेंगे। लेकिन लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा बहुत सारी आंटी यहाँ पे लाइन से बैठी होगी जो मछलियाँ बेचती है, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। दोस्तों ये बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ का जो प्रोफेशन है, दो लोगों के लिए, दो मतलब कहते हैं ना सेक्टर में बहुत लोग हैं यहाँ पे, एक है फ़िशिंग और दूसरा है एग्रीकल्चर, तो इस बात का ध्यान रखना। और क्योंकि एग्रीकल्चर है तो बहुत सारे आपको वेजिटेबल्स भी मिलेंगे और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सस्ते भी मिलेंगे। और अगर आप मार्केट भी देखो तो वेजिटेबल मार्केट भी कितना ज़्यादा बड़ा है, और मार्केट के हिसाब से तो आई थिंक ये काफ़ी बड़ा मार्केट है। ये देखिए पूरा ये मार्केट का टूर हम कर रहे हैं, मार्केट काफ़ी बड़ा है। लेकिन दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैंने इतना एक्सप्लोर किया, इतना जाना, इतना पहचाना इस मार्केट को, तो मार्केट ना दो चीज़ों के लिए होती है। एक तो शॉपिंग, शॉपिंग के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो यहाँ पे यहाँ के रेजिडेंशियल लोगों को लगती है। कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको नहीं मिलेगा जो आपको मुंबई में मिलता है क्रॉफर्ड मार्केट में जैसा, उस मार्केट से आप कंपेयर नहीं कर सकते इसको। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ के रेसिडेंशियल लोगों को कुछ भी इशू होता होगा कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो शूज़ हो, या चाहे वो कुछ भी हो, उनकी घर की सारी ज़रूरतें की सामान यहाँ पर इस मार्केट में मिल जाएगा। तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बड़े बड़े ब्रांड मैंने नहीं देखे, जैसे वुडलैंड या फिर ऐसा कोई ब्रांड मैंने यहाँ पे देखा नहीं। तो शायद वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी एकदम भी ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है, डिसेंट है यहाँ की इकोनॉमी, तो इसीलिए मैंने कोई बड़ा ब्रांड नहीं देखा। आपको जितने भी, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो कपड़े हो, सब लोकल ब्रांड के ही मिलेंगे, इतना मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई भी जगह को पढ़ने के लिए उसका मार्केट और उसका रेजिडेंशियल एरिया, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी शहर दो मेन हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है उसका जो मार्केट, जो कमर्शियल एरिया होता है, जो उसका मार्केट होता है, वो एक जो बताता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, और दूसरी, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया है मार्केट में, हाँ, और दूसरी चीज़ होती है रेसिडेंशियल एरिया के, उस एरिया का, उस सिटी का रेसिडेंशियल एरिया कैसा है। ये दोनों भागों में या दो, ये दोनों सेक्शंस में लगभग हर सिटी डिवाइड होती है। तो हम फिलहाल एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ का कमर्शियल एरिया, जो है यहाँ का मार्केट। बहुत जल्दी आगे वीडियो में मैं आपको रेसिडेंशियल एरिया भी बताऊँगा जो यहीं से गुजरता है, यहीं मार्केट से गुजर के आपको आगे रेसिडेंशियल एरिया मिलेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा। लेकिन हम पहले मार्केट तो कर ले यहाँ पर। आओ, ओके, यस, आज रक्षाबंधन है तो आप देख रहे होंगे कि राखी बहुत सारी लटक रही है, तो हैप्पी रक्षाबंधन। आगे बढ़ते हैं हम। ये अभी मार्केट अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी रेजिडेंशियल एरिया नहीं आया। ये छोटी सी लेन है जो मार्केट को एक्सटेंड करती है। हम बढ़ रहे हैं आगे।
अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि दो चीज़ों के लिए मार्केट फेमस होती है, एक होती है शॉपिंग, दूसरी होती है खाना। कहीं ना कहीं कभी भी आप मार्केट में जाते हो तो आपकी नज़र ढूंढती है खाने को। यहाँ पे कोई भी ऐसी स्पेशल डिश मुझे मिली नहीं दोस्तों, कोई भी जैसे मैं बोल सकूँ कि यार उरन में आओ तो ये खाओ। ज़्यादातर जितने भी फास्ट फूड सेंटर्स हैं ना, वहाँ पे मुझे समोसे ही मिले। हाँ समोसा आप एक्चुअली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अलग तरीके से बना हुआ था, जो मुंबई थाने में मिलता है वैसा नहीं था, थोड़ा सा अलग था। और ये है यहाँ का कॉलेज, उरन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। और इसी के साथ मार्केट पीछे रह गया, मार्केट ख़त्म हो गया है। सामने आपको गार्डन मिलेगा, ये है कॉलेज, काफ़ी डिसेंट सा है और प्यारा सा छोटा सा कॉलेज है यहाँ पे। ये यहाँ का पुलिस स्टेशन। और ओह उरन में पहली चीज़ मैंने पहली बार कुछ बड़ी चीज़ देखी इतनी बड़ी, और ये है आई थिंक मस्जिद ही लग रही है ये, और दरगाह भी लग रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे है उनका सोलर पैनल वाला मस्जिद, ये मैंने पहले देखा। अच्छा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा रेसिडेंशियल टूर, हमने मार्केट पीछे छोड़ दिया है और अभी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा रेसिडेंशियल एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो मुंबई थाने में मिलती है, वैसी बिल्डिंगें तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन काफ़ी डिसेंट से छोटे छोटे से घर मिलेंगे आपको, छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ भी मिलेगी आपको, और बड़े बड़े बंगले भी मिलेंगे जो शायद शहरी लोगों के सेकेंड होम होंगे। ये देखिए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से ये लोगों के घर है। ये देखिए ये है यहाँ का रेसिडेंशियल एरिया। यहाँ का पॉपुलेशन पता नहीं एकदम भी डेंस नहीं लगा मुझे, क्योंकि मार्केट के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सुनसान ही थी, इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। सिर्फ मार्केट एक ऐसा इलाका था जो मुझे लगा कि यार बहुत पब्लिक है, और हमने देखा कि हम थोड़ा सा ट्रैफिक में भी फंस गए। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने उरन में ऑब्ज़र्व की है, ऐसी बहुत सारी जगह जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ऐसी सुनसान वीरान एरिया है, ऐसी बहुत सारी जगह आपको मिलेगी। ये हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं रेसिडेंशियल एरिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से इन जगहों को देखते हैं। देखिए आगे पूरा फुल फ्लेजेड रेसिडेंशियल एरिया दिख रहा होगा आपको, राइट और लेफ्ट दोनों जगह आपको बिल्डिंग्स दिख रही है। ये है उरन सिटी। ये यहाँ की सोसाइटी, यहाँ पे अंदर ही पार्किंग, ये यहाँ की बिल्डिंग। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसे सराउंडिंग में लोग यहाँ पे रहते हैं, मार्केट उधर है और यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं किसी भी शहर में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ घूमने के लिए, तो मैं वो शहर को पढ़ना पसंद करता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं जानना पसंद करता हूँ कि इनकी इकनॉमी कैसी है, किस चीज़ पर चलती है, एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। और बस जो मुझको पसंद है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको इतना प्रेजेंटेबल बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँ कि आपको भी पसंद आ जाए। और अभी भी हम रेसिडेंशियल एरिया में भी ही है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा ये पैच, ये जो हमने उरन सिटी का टूर किया, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन उरन सिटी के बारे में क्या है, क्या आपकी कोई मेमोरी है इस सिटी में, क्या आप रहते हो, आपका क्या व्यू है इस सिटी के बारे में जितना मैंने आपको बताया, क्या आपको फुटेज पसंद आया, आपका बोलना क्या है मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका व्यू क्या है। ये देखिए यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेगी, थोड़ा सा और ये रेसिडेंशियल, ये एक प्रॉपर बहुत सारी बिल्डिंग एक साथ मैंने पहली बार उरन में देखा। अब तक मैं जितना भी देख रहा था छोटी छोटी बस्तियाँ ही देख रहा था, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी झोपड़ियाँ ही देख रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ये पूरा लेन है जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है। और बड़ी बड़ी मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ बाकी सारे उरन से, मैं मुंबई थाने से कंपेयर नहीं करूँगा। बड़ी बड़ी मतलब आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम थर्ड या फोर्थ फ्लोर तक बिल्डिंग होगी, बहुत ही ऊँची ऊँची बिल्डिंग है यहाँ पे है नहीं, और शायद यही उरन सिटी की पहचान है। और उरन सिटी में ये ग्रीन पैचेस भी काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे बीचेस बहुत सारे हैं, और यहाँ पे थोड़े से पथरीले बीच है। अब पता नहीं मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड है इसीलिए मुझे वो रेत बीचों पे नज़र नहीं आ रही है, या पता नहीं, पर ये काफ़ी एक बड़ा लेन था जिसमें हमको काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिली, तीन तीन चार चार माले की बिल्डिंग। तो आपका क्या
कहना है दोस्तों, आपको कैसा लगा ये उरन सिटी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। देखिए देखिए देखिए, अच्छा है, मुझे मज़ा आया। मैंने जितना भी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ जगह पे, एक्सटीरियर जगहों पे आपको क्रीपी सी फीलिंग ज़रूर आ जाती है, लेकिन उरन सिटी ओवरऑल एक प्यारा सा छोटा सा टाउन है जो नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। तो ठीक है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह यहाँ पे भी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे और ज़्यादा बड़ी बड़ी मार्केट्स यहाँ पे आएगी। तो बस दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे, मेरे साथ अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है दोस्तों, पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। तो हमने मार्केट कवर कर लिया, रेसिडेंशियल एरियाज़ कवर कर लिए। इनफैक्ट अगर उरन के बारे में, ये शायद मेरा इकलौता वीडियो नहीं है, मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल जगहें भी कवर किए, आप वो भी देख सकते हो मेरे पिछले या इसके बाद वाले वीडियो में। तो उरन सिटी बेसिकली यही है जो मैंने आपको बताया। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप जो इतना टाइम मुझे देते हो, एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, पाँच मिनट या दस मिनट, जितना भी आपने वीडियो देखा, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय।